पिछले दिनों जब युवराज का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ था तो उस वक्त उनके फैन के साथ साथ कई दिग्गज भी खुश थे। आखिरकार एक लंबे वक्त बाद युवराज सिंह टीम इंडिया में वापसी करने में सफल जो हो रहे थे, और जब सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हो तो सबको युवराज के वो 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने की तमन्ना फिर से देखने की इच्छा प्रबल होने लगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर विराट कोहली न होते तो युवराज अब तक संन्यास ले चुके होते। जी हाँ, ये सच है, वो विराट कोहली ही है जिन्होंने युवराज सिंह पर भरोसा जताया और विराट कोहली को एक और मौका दिया गया। 6 साल बाद शानदार 150 रन की पारी खेलकर दूसरे वनडे में मैन ऑफ द मैच बने युवराज सिंह ने कप्तान विराट कोहली की तारीफ की है। यूवी ने कहा, मैंने कैंसर के बाद ग्राउंड पर वापसी की, लेकिन टीम से ड्रॉप होने पर टूट गया था। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बारे में सोच रहा था, पर कप्तान विराट ने मुझ पर भरोसा कर मुझे नया जीवन दिया है। कप्तान ने मुझ पर भरोसा जताया, उनके भरोसे का मान रखना जरूरी था। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भावुक हुए यूवी ने कहा, मैंने जिस तरह स्ट्रगल कर टीम में जगह बनाई है उसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा मैच में खेल पाऊंगा या नहीं, शायद लोगों ने भी मुझ में विश्वास खो दिया था। आपको बता दें कि युवराज सिंह को 2011 वर्ल्ड कप के बाद कैंसर हो गया था। इस जानलेवा बीमारी के कारण वो लंबे समय तक खेल से और टीम इंडिया से दूर रहे। युवराज ने यूं तो इंग्लैंड के बॉलर्स की जमकर पिटाई की, पर उन्होंने टीम की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, इंग्लैंड कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इंग्लैंड में काफी खतरनाक बैट्समैन और बॉलर्स हैं जो पल भर में मैच पलटने का दम रखते हैं। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में युवराज ने शानदार 150 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही धोनी के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप करते हुए एक समय संकट में फंसी टीम इंडिया को बाहर निकाला। धोनी ने भी इस मैच में शानदार सैकड़ा जमाया था। NMF News की रिपोर्ट।